दोस्तों कैसे हो। आज हम बात करेंगे जिस वैकेंसी की, वो आई है दिल्ली हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर 35 पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए की वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में। हम इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए मेहमान हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएँ। साथ ही दोस्तों आज का कुछ क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं यूके, भारत, ग्रीस या फिर फ्रांस। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 35 है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 22 सितंबर, वहीं लास्ट डेट टू अप्लाई है 12 अक्टूबर। अप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए ₹300, वहीं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लीकेशन फीस है ₹150। पे करने का मोड है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 27 साल और जॉब लोकेशन रहेगी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्वालिफिकेशन है इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, वहीं टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन बेस्ड है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर। और पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो जनरल से 10 पोस्ट हैं, एससी से 7 पोस्ट हैं, एसटी से 6 पोस्ट है, ओबीसी से 12 पोस्ट है, यानी कि टोटल 35 पोस्ट है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस पेज पर आना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का सारा लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। आपको सिंपली इस पेज पर आकर इन सारे लिंक्स का यूज़ करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।